Good morning everybody. In the last video, we have uh, uh, studied that uh, ki how the Rutherford has performed his ex experiment by using the gold foil and mm, alpha rays and what was his observation, what was his conclusion and finally what was his atomic model that we have discussed in our last video and also what was its drawback. So its drawback was basically that he was unable to explain about the um, orbit, or we can say the specific path in which the electrons are going to be revolving. And secondly, that key, that if the electrons are revolving, it should radiate the energy. And finally, when its energy completely uh, just lost by it, it should collide with the uh, nucleus. But actually, it does not happen. So these thing uh, these are the major two drawbacks of the Rutherford, isn't it? that you can see in the book also this are uh, given a topic okay so today i'm just going to start with the next topic that is the bohr atomic model bohr atomic model and actually the bohr these, uh, they, this is the name of the scientist his name is the niels bohr so finally uh, he, has done, uh, he has just uh, uh, clear that uh, what was the major drawback of the rutherford ही हैज़ मेड हिज डाउट्स क्लियर है ना जो भी मतलब रदर फोर्ड्स के मॉडल मॉडल में जो भी डाउट्स थे या भी जो भी कह सकते हो ड्रॉबैक्स थे उसको रेक्टिफिकेशन मतलब उसको सही आ, बोर ने किया था ठीक है तो टुडे तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बोर्स अटोमिक मॉडल नसी द ड्रॉबैक ऑफ द रदर फोर्ड द ड्रॉबैक ऑफ द रदर फोर्ड वॉज एक्सप्लेन बाय द नील्स बोर अकॉर्डिंग टू हेम जो 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 इसका ड्राबैक था उसको एक्सप्लेन किया था नील्स बोर ने और उनके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं नील्स बोर के हिसाब से उन्होंने क्या बोला था देखो इलेक्ट्रॉन्स वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट डू नॉट लूज इट्स एनर्जी और इट डू नॉट रेडिएट्स इट्स एनर्जी उन्होंने क्या बोला कि जो भी हमारे पास जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक फ़िक्स ऑर्बिट में घूमता है जो कि एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है तो जब वो घूमता है फिक्स ऑर्बिट में तो वो अपना एनर्जी को कभी लूज नहीं करता है लूज़ नहीं करता है मतलब उससे एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होता है उसके पास जो भी एनर्जी होगा उसी एनर्जी से वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपने सेल में बिल्कुल भी रोटेट करते रहेंगे तो अगर किसी के पास अगर एनर्जी ख़त्म ही नहीं होगा अगर ख़त्म ही नहीं होगा तो सी बात है कि वो कभी अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास कभी एनर्जी ख़त्म ही नहीं होगा तो वो कभी भी न्यूक्लियस के साथ कोलाइड नहीं कर सकते हैं ओके सेकेंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स ऑर्बिट विच इज़ कॉल्ड शेल द एनर्जी लेवल ऑफ द शेल इज़ कॉन्स्टेंट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम एनर्जी इन द सेम सेल फिर उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इधर उधर जहाँ इधर उधर घूमते हैं नहीं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं तो दीज आर दर्बिट्स आर देर ये सब ऑर्बिट्स हैं और उन्होंने इट्स फिक्स ऑर्बिट का नाम उन्होंने बोला शेल इसको बोलते हैं शेल ठीक है ये फिक्स ऑर्बिट जो होता है इसको उन्हें बोलते हैं शेल एंड ही हैज़ ऑल्सो नेम द शेल ऑल्सो द वेरी फर्स्ट सेल दैट इज़ क्लोज टू द न्यूक्लियस दैट वॉज कॉल द के सेल आफ्टर दैट एल लाइक वाइज एम एन लाइक वाइज इट्स गोइंग ऑन है ना तो ये हमारे पास मैंने यहाँ भी बना दिया है ठीक है तो सबसे पहला जो होता है के सेल होता है के के बाद फिर एल फिर एम फिर एन ओ पी क्यू ऐसे करके वो चलते रहता है सेल्स ठीक है तो ये नील्स बोर ने बेसिकली आ, दो ड्रॉबैक्स जो थे रदर को उसने क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब वो न्यूक्लियस के अराउंड जब घूमते हैं तो अपना एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं करते हैं लूज नहीं करते हैं है ना और सेकेंडली कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक फ़िक्स ऑर्बिट में हमेशा घूमते हैं एंड दैट फिक्स ऑर्बिट इज़ ओनली कॉल्ड द शेल एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द शेल्स आर कांस्टेंट मतलब हर एक सेल का अपना एक अलग एनर्जी होता है अपना एक अलग एनर्जी होता है इसके बारे में थोड़ा समय और आगे आपको बताऊंगा ठीक है नाउ नेक्स्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूट्रॉन्स तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रॉन्स अब सबसे पहले थॉमसन uh, ने इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी जब उसने अपना मॉडल uh, दिया था दैट वाज द वाटर मिलन मेथड वाटर मिलन मॉडल और वी कैन से प्लम के एक मॉडल दैट वन है ना फिर उसके बाद फिर आपका प्रोटॉन्स का डिस्कवरी हुआ फिर रदर फोर्ड ने रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस बता दिया है ना तो उसके बाद एक और फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज द न्यूट्रॉन इसका भी डिस्कवरी हुआ तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन अ न्यू पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड एंड नीम एज अ न्यूट्रॉन दीज पार्टिकल डू नॉट कंटेन एनी चार्जेज बट हैव इक्वल मासिज एज प्रोटोन इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ठीक है अब देखो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद एक और नया फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसका नाम था न्यूट्रॉन्स ठीक है अगर न्यूट्रॉन्स को मैं बाकी दोनों पार्टिकल से कंपेयर करूंगा तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर में कोई भी चार्जेस नहीं होता है जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में नेगेटिव चार्जेस होते हैं प्रोटोन्स के ऊपर में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो नया पार्टिकल था इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था बिल्कुल ये चार्जलेस था लेकिन अगर मैं इसके मास को कंपेयर करना स्टार्ट करूं इसके मास को तो इसका मास जो था वो लगभग इक्वैलेंट था प्रोटोन के मास के इक्वल है ना प्रोटोन मतलब जो प्रोटोन्स का मास होता है उसके इक्वैलेंट था आपका न्यूट्रॉन्स का मास ठीक है ये अब यहाँ पे मैंने एक छोटा एक टेबल बनाया है आपके लिए अगर इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें मैंने सारी चीज़ें आपके लिए मैंशन की है जो जो हम लोगों ने तीनों पार्टिकल्स के बारे में अभी तक स्टडी किया है ठीक है तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन्स है प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है ठीक है और इसके प्रॉपर्टीज़ है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ई से सिम्बॉल करते हैं प्रोटॉन्स को पी से न्यूट्रॉन्स को एन से डिस्कवरी तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी जे जे थॉम्सन ने प्रोटॉन्स की गोल्ड स्टेन ने और न्यूट्रॉन्स के जेम्स चैडविक यहाँ पे यह जो नया पार्टिकल आया है दैट इज द न्यूट्रॉन इसकी डिस्कवरी की थी आ, नेम ऑफ द साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ठीक है अब देखो चार्जेज और अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन का क्या चार्जेस होता है तो ये मैंने पहले ही बताया था आपको दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन के चार्जेस कितने हैं माइनस वन पॉइंट सिक्स इं टू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कोलम प्रोटोन्स में प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कोलम ये दोनों के चार्जेस सेम होते हैं बस ये प्लस में हो ये प्लस में, में होता है और ये माइनस में होता है ठीक है और इसमें तो कोई भी चार्ज नहीं होता है जीरो चार्ज मतलब ये चार्जलेस क्वांटिटी है ठीक है एब्सोल्यूट मास अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का अगर स्पेशली अगर मास को अगर अगर मेज़र करना चाहूँगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन कितना भारी होता है तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नाइन पॉइंट वन वन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी एट ग्राम मतलब आप देख लो कि कितना हल्का होता है ये नाइन पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी एट ग्राम है ना तो ये काफ़ी एकदम मतलब आप इसको जीरो ही मान सकते हो लेकिन ज़ीरो नहीं कह सकते हो क्योंकि कुछ वैल्यू तो है ठीक है प्रोटॉन्स का मास देख लो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टू पावर ट्वेंटी ग्राम और न्यूट्रॉन्स का जो मास है 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टू पावर माइनस ट्वेंटी ग्राम तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास लगभग सेम होते हैं अगर मैं रिलेटिव मास कंपेयर करना चाहता हूँ इन दोनों का तो लगभग आपको मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के मास जो होते हैं वो 2000 टाइम्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं प्रोटॉन्स के मास से या अगर इससे सो कंपेयर करेंगे तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास जो होते हैं वो 2000 टाइम्स हो जाएंगे नियर अबाउट 2000 एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन नियर अबाउट कैलकुलेशन है तो नियर अबाउट टू टाइम्स द मास ऑफ़ द दैट इज़ वॉज द इलेक्ट्रॉन्स है ना तो अभी अगर इस डेटा को लेकर के मैं आपको बताऊंगा तो आप इसे ये समझ सकते हो कि कोई भी जो आपके पास एक एटम होता है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटो न्यूट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में से आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स के मास तो बहुत ही कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के मास बहुत कम है तो इसका मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा हैं तो जब कभी भी हम लोग मास फाइंड करेंगे तो हमेशा प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे मीन्स द सम ऑफ द प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल गिव यू द मास ऑफ़ दैट पर्टिकुलर एटम ठीक है तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ये है आपका हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट और शेल ठीक है ये आपका टॉपिक है देख लो यहाँ पे कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट और शेल न सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इन डिफरेंट शेल कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन अ शेल कैन बी ऑप्टेन बाई टू एन स्क्वायर वेयर एन इज द नंबर ऑफ सेल अब किसी भी सेल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे वो डिपेंड करता है टू एन स्क्वायर थ्योरी पर टू एन स्क्वायर थियोरी ठीक है टू एन स्क्वायर थ्योरी मतलब किसी भी एक सेल में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ये सारे हमारे लिए क्या है सेल है पहला वाला के सेल है फिर एल फिर एम फिर एन लाइकवाइज तो हर एक सेल में आप मैक्सिमम कितना आप डाल सकते हो क्योंकि हर एक चीज़ का एक कैपेसिटी होता है है हाँ ना तो कैपेसिटी कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेल में मतलब मैक्सिमम मैं कितना इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकता हूँ दैट इज इट्स कैपेसिटी तो वो हम लोग को पता चलता है डैट इज़ द टू एन स्क्वायर थ्योरी पे तो टू एन स्क्वायर थ्योरी पे यहाँ पे एन जो रिप्रेजेंट करता है एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल मतलब सेल्स का नंबर जैसे मैंने यहाँ पे देखो मैंने लिखा है के एल एम एन ये सारे सेल के नेम हैं के सेल एल सेल एम सेल एन सेल ये सारे सेल के नेम्स से, हैं और इसके नीचे उसका मैंने नंबरिंग किया देखो के का नंबर वन है एल का टू है एम का थ्री है एन का फोर है तो यहाँ पर फार्मूला क्या चलता है टू एन स्क्वायर थ्योरी और एन क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल मतलब कौन सा सेल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो मैं के सेल के बात कर, बात करूंगा तो एन के जगह पे वन रखूंगा क्योंकि के का नंबर वन है अगर एम सेल का बात करूंगा तो एम के जगह पे थ्री रखूंगा तो देखो मैंने यहाँ पे फिल करके दिखाया है जैसे के सेल तो टू एन स्क्वायर है तो टू एन के जगह पे क्या रखेंगे वन का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन इंटू टू टू इसका मतलब के में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो फिल कर सकता हूँ दैट इज़ द टू अब आता है एल तो यहाँ पर देखो टू एन स्क्वायर तो एन के जगह पे एल का नंबर नोट करेंगे क्या है टू टू का स्क्वायर टू टू ज फोर फोर टू जो तो एट कितना आ जाए एल में मैक्सिमम मैं एट फिट कर सकता हूँ ठीक है एम में यहाँ पर देखो एम का पोजिशन थ्री है तो टू और एन के जगह पे थ्री स्क्वायर तो थ्री थ्री इज़र नाइन और नाइन टू ज़र एटीन वैसे यहाँ पे थर्टी टू मतलब पहले वाले में टू फिर एट फिर एटीन फिर थर्टी टू ऐसे करके हम लोग फिल कर सकते हैं ठीक है लेकिन अभी हम लोगों को जो टोटल तो तो जो इतने भी एलिमेंट्स हैं वन हंड्रेड एटीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं है ना तो वन हंड्रेड एटीन डिफरेंट एलिमेंट्स में सिर्फ वन टू ट्वेंटी हमें अभी पढ़ना है तो वन टू ट्वेंटी के लिए हम लोग ये इसको अभी फॉलो करते हैं अभी आगे हम लोग जब आगे आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर हम लोग इस थ्योरी को अच्छे से और पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों को वन से लेके ट्वेंटी तक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है तो उस के इसमें पहले वाले सेल में हम लोग टू फिल करते हैं और बाकी सब में एट एट देखो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज एट मतलब पहले वाले को छोड़ करके मतलब फर्स्ट जो के सेल है जो सबसे नियर वाले हैं इसको छोड़ करके बाकी जितने आउटर ऑर्बिट हैं सब में अभी हम लोग कितने फिल करेंगे एट फिल करेंगे ठीक है और ये थ्योरी बाद में एप्लीकेबल होगा और वो अभी लेकिन इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि एक्चुअल में हम लोग इसी को फॉलो करते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर ट्वेंटी तक के लिए हम लोग फर्स्ट वाले मतलब के सेल में टू और बाकी सारे सेल में हम लोग एट एट इलेक्ट्रॉन्स को फुल फिल करते हैं ओके नाउ एक और पॉइंट देख लो द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड स्टेप वाइज इन अ सेल इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन अ नेक्स्ट सेल इफ़ प्रीवियस सेल इज़ कंप्लीटली फिल्ड अकॉर्डिंग टू टू एन स्क्वायर थ्री देखो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेल है के सेल एल सेल एम सेल एन सेल लाइक वाइज सेल्स हैं तो जब तक कि आप पहले के सेल को पूरा पूरा फिल नहीं करो के सेल सेल कैपेसिटी टू है तो जब तक के सेल में टू इलेक्ट्रॉन्स आप पूरा पूरा डाल नहीं देते हो तब तक आप एल सेल में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते हो तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते हैं तो हमेशा हम लोग स्टेप वाइज करते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा जाए इलेक्ट्रॉन्स इनर सेल्स एंड फिल्ड दैट इज सेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर मतलब जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो हमेशा एक स्टेप वाइज मैनर में स्टेप वाइज कहने का मतलब है कि पहले के सेल फिल होगा फिर एल सेल फिर एम सेल फिर एन सेल लाइक वाइज ठीक है ये चीज़ है तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल है इसको याद रखनी चाहिए ठीक है अब देखते हैं कुछ और कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं वैलेंसल अब वैलेंसल क्या है वो देखते हैं इट इज द लास्ट सेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइटम इंटर देखो तो जैसे कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग फिल करना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग सपोज करो टेन है टेन इलेक्ट्रॉन्स है तो टेन इलेक्ट्रॉन्स से, तो से तो पहले हम लोग टू इलेक्ट्रॉन्स पहले के सेल में फिल करेंगे फिर कितना बचा एट फिर हम लोग एक एक करके डालना स्टार्ट करेंगे तो लास्ट वाला भी जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल भी आपको एल सेल में आ जाएगा तो जब आप ऐसे स्टेप वाइज सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करते हो तो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में आप डालोगे वही हो जाएगा उसका वैलेंस शेल जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन का अभी तो एटॉमिक नंबर हमें पता है वन तो के में डालेंगे वन तो इसका मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन के ही सेल में है एक ही इलेक्ट्रॉन ही है तो के ही सेल में गया तो ये हो गया इसका बैलेंस सेल ठीक है हीलियम तो हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में के सेल में और दूसरा भी मेरे को फर्स्ट सेल में डालना पड़ेगा तो इसलिए इसका वैलेंस सेल हो गया टू ठीक है ऑक्सीजन अटोमिक नंबर कितना होता है अटोमिक नंबर होता है एट तो पहले के सेल में टू फिल कर दिए और फिर एक एक करके फिल करना स्टार्ट करेंगे तो एल सेल में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन भी एल सेल में जाएगा यानी कि इसका जो शेल होगा एल लाइकवाइज क्लोरीन का जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एम सेल में आएगा ठीक है तो इट इज़ वैलेंस शेल इज एम ओके नाउ नेक्स्ट इज द व इलेक्ट्रॉन तो अगर आप वैलेंस सेल समझ गए हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी इजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जो सबसे लास्ट वाला जो सेल है ना उस लास्ट वाले सेल में आपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को रखें वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जैसे कि तो इसका वैलेंस सेल के है इसमें की इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन इसका बैलेंस सेल कौन है के है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टू तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू हो गया अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूँगा तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल कौन सा है एल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सिक्स अगर एम बात करेंगे एम में लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है सेवन है तो इसका मतलब इसका वैलेंसल हो गया एम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया एट लाइक वाइज आप देख लो सोडियम तो सोडियम का जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो एम शेल में आएगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें वन नियॉन में uh, K के बाद एल एल सेल में पूरे एट के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे क्योंकि नियॉन का अटॉमिक नंबर होता है टेन तो पहले वाले टू इलेक्ट्रॉन्स तुमको के सेल में आ जाएंगे बाकी के एट जो हैं वो आपको दैट इज़ अ एल सेल और एल सेल में अगर एट आते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उसी में आ रहा है तो इसका वैलेंस सेल हो गया एल और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए एट तो दीज आर द फ्यू टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस टूडे द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच